हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BHU CHS स्कूल के आंसर की बात करेंगे। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज आपका जो है सुबह में आपके आंसर की जो है जारी कर दिए गए हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जो है इसको देख सकते हैं, कैसे आपको इसको जो है देखना है और साथ में कैसे आपको मिलान करना है। और उन बच्चों की भी बात करेंगे जिनके ईमेल आईडी से जो है लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने उत्तर की को जो है वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि कैसे जो है हम लोगों को आंसर की को मिलाना है, तो सभी प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि आपको जो है गूगल पर जाना है और सर्च करना है www.bhuonline.in। जैसे आप सर्च करते हैं ये इसका ऑफिशियल आपका जो है वेबसाइट ओपन हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर ही आपका जो है दूसरे नंबर पे ही प्रोविजनल आंसर की SAT स्कूल एंट्रेंस टेस्ट एकेडमिक सेशन 2023-2024 लिखा है। यहाँ पे क्लास 9th और क्लास आपका 11th लिखा है। उसके बाद एक छोटा सा मैसेज जो है फ्लैश हो रहा है जिसमें लिखा है कि लास्ट डेट जो है आपको कंप्लेन करने का, जो आंसर की जारी किया गया है अगर उसमें आपको कोई गड़बड़ी लगती है, कोई आपको जो है इनकरेक्ट लगता है, तो आप जो है 12 मई को जो है रात तक जो है इसको जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे ही आप जो है उस उत्तर की पे जो है कंप्लेन करते हैं तो उसको टीम के द्वारा जो है रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद आपके मार्क्स जो है बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन में कोई ऐसा आपको दिख रहा है जिसमें आपको त्रुटियां पाई गई तो उसको जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं। कैसे कंप्लेन करना उसकी भी बात करेंगे। तो क्लास 9th वाले पे क्लिक करने के बाद आपका जो है वो ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे आपका जो है ईमेल आईडी और साथ में आपका पासवर्ड और साथ में आपको कैप्चा कोड फिल करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, सपोज करिए कि अगर आपको ये कैप्चा कोड जो है अच्छा नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। जितनी बार यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे वो धीरे धीरे आपका चेंज होके यहाँ पे चला आएगा। तो जब तक आप चेंज करें जब तक आपको ये क्लियर ना दिख जाए। उसके बाद जैसे ही कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, आपका जो है ये आपका आंसर की ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपका कैटेगरी, आपका ईमेल आईडी और सारा डिटेल आपका जो है रहेगा। और यहाँ पर आपको क्लिक करना है चैलेंज आंसर की पे। जैसे ये चैलेंज आंसर की पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ओपन हो जाएगा। यह जो है ऑलरेडी आपको ओपन था, तो एक बार हम लोग कैप्चा कोड को फिल कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आपको जो है ओपन करना है। यहाँ पे हम जो है आपको ओपन करने की बात का भी प्रोसेस आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो है साइन इन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद चैलेंज आंसर की पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आपका बुकलेट सेट था, सपोज करिए सेट 1 था, सेट 2 था, सेट आपका 3 था, कोई भी आप सेट यहाँ पे सेलेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर की जो है सारे सेट के यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे यह आपका जो है क्लास 9th के रिगार्डिंग था, जिन बच्चों का सेट 1 था वो ये मिलाएंगे, जिन बच्चों का सेट 2 था उसको ये मिलाना है और सेट 3 वाले बच्चों को ये आपको जो है आंसर की मिलाना है। आंसर की जैसे ही आप ओपन करेंगे लास्ट में एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे चैलेंज करने के लिए। सपोज करिए क्वेश्चन नंबर, अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, सपोज करिए क्वेश्चन नंबर आपको 10 में प्रॉब्लम है, तो 10 पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका उस क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम आ रही है, पहला यहाँ पे ऑप्शन लिखा है कि इनकरेक्ट है आपका क्वेश्चन या जो भी आपके दिए गए हैं वह आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्वेश्चन जो है गलत आपका जो है मिसप्रिंट हुआ है या क्वेश्चन ही गलत है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं जिस हिसाब से आपको लगता है कि अगर मेरे आंसर की जो आंसर की जारी की गई है और उसमें कुछ त्रुटियाँ हैं, तो उसका जो है यहाँ पर चैलेंज करने के बाद जो भी आपके उसके करेक्ट चीज़ें हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आप जो है टाइप भी करके लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज में लिख के उसको आप सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका जो आंसर करेक्ट है और जो BHU के द्वारा प्रोविजनल आंसर के जारी किया गया है वो इनकरेक्ट है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बात आती है, दूसरी बात ये आती है कि अब उन बच्चों की भी बात करते हैं जो ईमेल आईडी के थ्रू जो है लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश उनका पासवर्ड जो है खो गया है या ईमेल खो गया है। तो आप जब फॉर्म को फिलअप करा रहे होंगे तो जीमेल पर BHU की तरफ से एक मैसेज आया होगा, वहां पर आपको जो है जीमेल की जो आपका जीमेल दिया होगा आपने, वहाँ पर BHU की तरफ से आपको यूजर आईडी और साथ में उसका पासवर्ड वहाँ पर मेंशन होगा, वहाँ से उसको जो है आप देख के लॉगिन कर सकते हैं। अब तीसरी बात करते हैं उन बच्चों को कि जो है पूरा प्रोसेस नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली हमको मैसेज करिए मेरे नंबर पर
और वहाँ से आप जो है मेरे से आंसर की आप ले लीजिए और मिला लीजिए, आपको जो है पीडीएफ के फॉर्मेट पे हम दे देंगे। नंबर रहने वाला है व्हाट्सएप नंबर जो है 8795553272 8795553272 यह आपका जो है मेरा नंबर रहने वाला है। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप आंसर की जिस भी आप स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, आर्ट्स है, बायोलॉजी है, मैथ है, जो भी आपका 11th में ग्रुप है या 9th के बच्चे हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और दो तीन बातें करेंगे, कुछ बच्चे जो हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग पूछ रहे थे कि सर मेरा सिलेक्शन इस मतलब आपके नंबर पे हो जाएगा या नहीं होगा, किसी बच्चे का 84 आ रहा है, किसी का 90 आ रहा है, 92 आ रहा है, अलग अलग बच्चों का अलग अलग जो है आपके मार्क्स आ रहे हैं और अलग अलग बच्चों के साथ समस्याएं भी आ रही हैं कि सर मेरा ये कैटेगरी है तो क्या सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। तो देखो बच्चा, ये चीज़ें पहले से भी डिसाइड नहीं की जा सकती क्योंकि पेपर का लेवल सभी बच्चों के लिए अलग अलग हो सकता है, वो आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से डिसाइड होगा। और दूसरी बात ये कि जो आपकी अभी आंसर की जारी की गई है, ठीक है, वो आंसर की जो जारी की गई है वो आपका जो है क्या है, टेंटेटिव आंसर की है। अभी इसमें आपको जो है सुधार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि आंसर की जो अपलोड करने की डेट थी क्या थी, यहाँ पे आपको देखने को क्लियर मिल रहा होगा। सभी बातों को देखिए, समझ से जाइएगा। यहाँ पे जो 10 मई को है वो आपकी प्रोविजनल आंसर की जारी की गई है, उसके बाद 11 और 12 मई तक आप जो है इसको क्लेम कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपका आंसर करेक्ट है बट BHU की तरफ से जो आंसर की जारी किया गया है वो आपका गलत है, तो आप क्लेम जरूर करिएगा जिससे कि आपको मार्क्स में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और उसके बाद फाइनल आंसर की जो है अपलोड की जाएगी 25 मई 2023 को, इसको आप जो है कंफर्म मिलाएंगे, तब आपका जो है कंफर्म आपको स्कोर पता चलेगा कि आपका अब एक्चुअल स्कोर कितना आ रहा है। जो आपकी मार्कशीट बनेगी ये 25 मई को जो आंसर की जारी की जाएगी उस बेसिस पे आपकी मार्कशीट बनेगी, मतलब जो आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका 5 जून 2023 को आएगा। उसके बाद जून की ही मंथ में आपकी काउंसलिंग कराई जाएंगी, काउंसलिंग में मैं भी रहूँगा, वहाँ पर आपको मिलूँगा, ठीक है। तो काउंसलिंग जो है उसके बाद आपके जो है काउंसलिंग में जो भी बच्चे वेटिंग में रहेंगे, अगर कोई बच्चा वेटिंग में रहता है, थोड़े बहुत मार्क्स कम है या पेड सेट की जो काउंसलिंग है, वो सारी काउंसलिंग आपके जो है जुलाई में फिर कराए जाएंगे। उसके बाद आपका जो है क्लासेस आपके रनिंग होंगे जुलाई और अगस्त से, आपका जो है स्कूल में आपका दाखिला हो जाएगा, उसके बाद आपके क्लासेस जो है प्रॉपरली रन करेगा। तो जो बच्चे मतलब अगर उनको लगता है कि मेरा आंसर करेक्ट है तो आप थोड़ा वेट करिए बच्चा, जो फाइनल आंसर की है वह आपका जो है 25 आपके जो है मई को जारी होगी, उसके बाद आपके जो है रिजल्ट उसके जो है जारी होंगे, ठीक है। और साथ में जो बच्चे लगातार जो है मैसेज कर रहे थे और साथ में कमेंट कर रहे थे कि सर 2024 के लिए आपका बैच कब आ रहा है, तो यह क्लासेस आपके जो है 1 जुलाई से आपके जो है स्टार्ट होने वाली है, इसकी अनाउंसमेंट जल्दी कर दी जाएगी कि आपको बैचेज में क्या क्या मिलेगा। इस बार बैचेज आपको जो है स्टार्ट थोड़ा पहले कर रहा हूँ, जिस बैच का नाम है आपका आगाज बैच, ठीक है। यह आपका 2024 के लिए क्लास 9th और साथ में क्लास 11th के सभी स्ट्रीम के बच्चों को जो है आपका जो है लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, आर्ट्स और कॉमर्स, ये आपके जो है क्लास 11th के 4 स्ट्रीम हो गए, और साथ में आपके जो है क्लास 9वीं के जो है आपके जो आपके 9वीं क्लास के होती हैं। अभी 6वीं के बैचेज के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अगर एग्जामिनेशन कराया जाता है BHU की तरफ से तो उसके भी बैच लॉन्च किए जाएंगे। क्या क्या मिलेगा इसका डिटेल अभी जो है आपको जो है वीडियो मिल जाएगा, तो उसके लिए मत परेशान होइएगा। अभी के लिए फिलहाल में जिन बच्चों का आंसर की का जो मसला है उसके लिए इस नंबर पे जो है आप मैसेज कर दीजिएगा, का कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पे 8795553272 8795553272 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे जो है डायरेक्टली आंसर की ले सकते हैं, जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है आंसर की डाउनलोड करने में। और साथ में आपके जो रिजल्ट है वो आपके जो है 5 जून को जारी किए जाएंगे, उसके बाद आपके जो है कट ऑफ लिस्ट आएगी। रिजल्ट आने के बाद जो है उसके बाद कट ऑफ लिस्ट आएगी कि किन बच्चों का मेन लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है और किन बच्चों का जो है वेटिंग लिस्ट में है, क्या है प्रोसेस, सभी चीज़ें। तो जो फाइनल आंसर की 25 मई को आएगा, उसके बाद हम अपने एंड से भी आपको जो है क्या बोलते हैं कट ऑफ की वीडियो जो है जल्द ही रिलीज करेंगे। जैसा कि हम बता दें कि जो हमने आंसर की जारी किया था लगभग आपका जो है साइमल्टेनियस एकदम मैच कर रहा है, एक दो क्वेश्चन के इधर उधर हो सकता है अंतर, तो उसको भी जिन बच्चों ने मिलाया था, जैसे किसी बच्चे का 85 आ रहा था तो अभी आंसर की मिलाने से जो है 87 भी हो जा रहा है, किसी का 82 भी हो जा रहा है, तो ये मतलब 2-3 मार्क्स का अंतर हो सकता है कि उसी की BHU की तरफ से जो आंसर की जारी की गई उसमें भी 1-2 क्वेश्चन में गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, ठीक है।
तो जल्द ही इसका आंसर की जो है आपका फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा, उसके बाद आपके जो है मार्क्स कन्फर्म होंगे। अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, और साथ में आपका कितना मार्क्स बन रहा है मतलब आपका इंडेक्स कितना है उसको जो है चैट ऑप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कैटेगरी के साथ। जैसे सपोज करिए अगर आपके 84 मार्क्स आ रहा है तो आप 84 लिखिएगा, उसके आगे OBC लिख दीजिएगा, OBC ठीक है, जो कैटेगरी है उस हिसाब से आपकी कट ऑफ की जो है वीडियो चली जाएगी। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।